हमने क्या किया कि विलियम ब्रुक्स ने जो क्या किया था, एक हार्ड ग्लास ट्यूब ली, एक उसको दोनों एंड पर हार्ड ग्लास ट्यूब जो लिया है उसको दोनों एंड पर क्या कर दिया, क्लोज कर, सील कर दिया। इसे दोनों एंड पर सील करने के बाद इसमें दो मेटल की इलेक्ट्रोड जो है, दो मेटल की रॉड लगा दी, ठीक है। इन रॉड्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इन रॉड को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बैटरी से, हाई वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब यहां पर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यहां एक वैक्यूम पंप लगाया, अच्छा कर क्या रहे, विलियम्स क्रूक्स जो हैं में स्टडी करना चाहते थे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैस एट लो प्रेशर, ठीक है। विलियम क्रूक्स क्या करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि गैस में कंडक्टिविटी होती है कि नहीं, कब लो प्रेशर पर। ये विलियम क्रूक्स स्टडी द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैस एट लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर पर गैस में कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है क्या, इसकी स्टडी कर रहे हैं कौन, विलियम क्रूक्स। एंड ही परफॉर्म ए एक्सपेरिमेंट इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, इट इज ए हार्ड ग्लास सिलिंड्रिकल ट्यूब, ठीक है, अबाउट 60 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये जरूरी नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता, लेकिन विलियम क्रूक्स की जो थी उसके बारे में बात, ठीक है। एंड द हार्ड ग्लास ट्यूब इज सील्ड एट द बोथ द एंड, बोथ द एंड एंड टू मेटल इलेक्ट्रोड कनेक्टेड बाय द हाई वोल्टेज बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड द ग्लास ट्यूब ऑल्सो कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप टू रिड्यूस द प्रेशर टू अप्रोप्रिएट लेवल, ठीक है। प्रेशर को रिड्यूस करना है, ठीक है, इसके लिए वैक्यूम पंप यहां लगा है। अब यहां से वैक्यूम करेंगे तो प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है, समझ रहे हो। द ग्लास ट्यूब इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप टू रिड्यूस द प्रेशर इन साइड इन द ग्लास, ठीक है, इनसाइड इट, क्लियर है दोस्त। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड, उसके बाद हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिल गए। इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिला, ध्यान से सुनना मुझे। फर्स्ट, हाई वोल्टेज ऑफ करंट इज पास थ्रू द, देखो बेटा जो बैटरी के टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोला जाता है, दिस इज कैथोड। और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसे एनोड बोला जाता है, ठीक। और हमने क्या किया, यहां पर हाई वोल्टेज किसने किया है, ये विलियम क्रूक्स ने, हाई वोल्ट पर, या हम कहें हाई वोल्ट का करेंट जो है वो पास किया थ्रू द इलेक्ट्रोड इन द गैस और ग्लास ट्यूब,
यहाँ पर क्या किया है बेटा, वन मोल किसी भी गैस का वन मोल लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये जो हाई वोल्टेज, ध्यान देना बेटा, हाई वोल्ट करेंट इज पास थ्रू इन द गैस एट हाई वोल्टेज ऑफ करेंट, पास थ्रू द गैस और ग्लास ट्यूब एट, कब पास कर रहे हैं, एट 180, नथिंग इज ऑब्जर्व, कुछ नहीं मिला, मतलब यहां पर कुछ देखने को नहीं मिला कि क्या हुआ। जब कुछ देखने को नहीं मिला तो हमने कहा नथिंग इज ऑब्जर्व, ठीक है ना भैया सर। तो अगर कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो काम है कहीं ना कहीं उसमें कुछ और भी हमें मॉडिफिकेशन करनी होगी, राइट। तो अगली बार क्या किया गया, द प्रेशर इज रिड्यूस टू 180 टू 10^-280, ठीक है, समझे। So, pressure is reduced by vacuum pump, 180 to 10^-280. क्या हुआ? Emit light, the gas emit the light, या यूं कह सकते हैं, emit light is observed and the color of the light depend on the nature of the gas. आपने कौन सा, अब कलर को छोड़िए, फिर क्या ऑब्जर्व किया, लाइट या इमिट रेडिएशन, एक ही बात है, आपने वो ऑब्जर्व की, राइट। इमिट रेडिएशन क्या, कब, एट 10^-280 विद हाई वोल्टेज के साथ, राइट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, लाइट इज ऑब्जर्व एट रिड्यूस प्रेशर 10^-2, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, द गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज गैस इज आयोनाइज, राइट। गैस क्या हुई, आयोनाइज हो गई, क्योंकि उसमें लाइट आई, इसका मतलब क्या है, कंडक्शन कर रही है गैस, राइट। और कब कर रही, एट रिड्यूस प्रेशर पर, क्लियर। फर्दर रिड्यूसिंग द प्रेशर 10^-2 atm, 10^-4 atm, द इमिटरी लाइट इज सीजेस, इमिट लाइट या रेडिएशन, लाइट भी लिख सकते हो, अगर लाइट लिखे तो लाइट और रेडिएशन एक ही बात, इमिट लाइट क्या रहा, बना रहा, सीज रहा, क्लियर है। इमिट लाइट सीजेस, बट क्या हुआ, हम ये काम पहले से करके चले हैं, यहां पर हमने एक फिल्म लगाई हुई है, किसकी, जिंक सल्फाइड। जब भी कोई चीज जिंक सल्फाइड से टकराती है, यू कहें कि जिंक सल्फाइड की फिल्म से जब भी कोई चीज टकराएगी, उस पर कोई स्ट्राइक करेगा, तो वहां ग्लोइंग होगी,
ठीक है, जैसे मान लो मैंने इस ग्लास की सरफेस पर क्या लगा रखा है, और मैं वहां पर छोटे छोटे पार्टिकल फेंक रहा हूँ, तो जहां पार्टिकल पड़ता है वहां पर वो चमक जाता है, ग्लो हो जाता है, समझ रहे हो। तो हमने या विलियम ब्रुक्स ने ऑब्जर्व किया लाइट सीजेस तो आई, बट बॉल ऑफ द ग्लास टू अपोजिट टू द कैथोड, कैथोड के अपोजिट में सुनाई दे रहा है। तो दोबारा से सुन, हमने कहा कि यहां पर क्या हुआ, द बॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब अपोजिट टू द कैथोड ग्लोइंग विथ ग्रीनिश कलर ए ग्रीनिश लाइट, ठीक है, क्लियर है दोस्त। Luminance is called fluorescence. इसको हमने कहा भैया, this phenomenon is called fluorescence. और जो अपोजिट साइड लगाई थी हमने पूरे में, लेकिन ग्लोइंग किधर हुई है, केवल अपोजिट टू द कैथोड, जहां कैथोड लगाया उसके ठीक अपोजिट क्या हो रहा है, ग्लोइंग हो रही है। और ये ग्लोइंग होना क्या क्या बोलते हैं इसे, फ्लोरोसेंस, क्लियर है। अब ये ग्लोइंग इधर हुई, इससे विलियम ब्रुक्स ने या हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि यार सम रेडिएशन अकर्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड द एनोड which strike on the ball opposite to the cathode, ball of glass tube opposite to the cathode, right? The cathode से कुछ rays निकल, वो cathode जाकर या उसके सामने जाकर glass tube की ball से टकराती है, इसकी वजह से वो glowing होती है। The ray, the network problem is आपका, the ray come from कैथोड, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, सर नेटवर्क प्रॉब्लम ऑन है सर भाई। द कैथोड, देखो ध्यान दीजिए, द कैथोड रे कम फ्रॉम द कैथोड, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ रे कॉल्ड कैथोड रे। इस तरह से हमने कैथोड रे के बारे में बात कर लिया था। बंद करो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर आपकी, हमें एक बार में सुनाई दिया नहीं हो। ये अब बात हम कर रहे हैं 1886 की, जब गोल्डस्टीन के दिमाग में आया कि यार अगर कहीं निगेटिवली चार्ज रे हैं, या याद करो आपको मैं कैथोड रे की प्रॉपर्टी बताता हूं क्या है, कि अगर हम ध्यान से सुनना बेटा जी, अगर हम क्या करते हैं, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर हम क्या करें बेटा, रख दें, तो उसकी शैडो सामने बनती है। जैसे यार मैं चल रहा हूं यूं, और मेरे पीछे आप लाइट जलाओ, ठीक है, अगर मैं देखो अभी तो वो लाइट यहां से भी है ना,
अगर केवल पीछे पीछे से जले तो मेरे सामने क्या आएगी, मेरी शैडो आएगी, राइट। और यहां से अगर ये शैडो इस साइड बन रही है तो इससे क्या पता चल रहा है दुनिया कि ये रे जो है ट्रेवल करनी किधर से, स्ट्रेट लाइन में कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, इसीलिए इसकी शैडो सामने बन रही है। अच्छा अगर ये ऐसे कर रही होती तो ये शैडो किधर बनती, इस साइड बनती, डिफ्लेक्ट हो जाती स्ट्रेट लाइन से, ठीक है बेटा। और अगर इधर बनती तो भी डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन अगर सीधी सीधी शैडो बनी तो इसका मतलब हम क्या समझे, द कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी हमने ध्यान दीजिए, यहां पर एक लाइट पेडल व्हील यानी एक घूमने वाला पहिया रख दिया, एक व्हील रख दिया घूमने वाला लाइट, अब ये ऐसे तो रोटेट होगा, अब अगर आप रोटेट कराओगे तो होगा, लेकिन जैसे ही आपने यहां से हाई वोल्टेज रिड्यूस प्रेशर पर डाला है, ठीक है, तो ये जो पेडल व्हील है वो क्या करने लगा है, स्टार्ट रोटेटिंग, समझ गए। अब ये रोटेट हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि इस रे में कोई ना कोई ताकत थी, यानी कोई स्ट्रेंथ थी, कोई पावर थी जिसने इसे रोटेट कराया, तो हम कहेंगे द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल से बनी है जिसका कोई मास है। कई बार बहुत तेज हवा आए तो बड़े बड़े पार्टिकल लाइक अंसुल भी रोटेट हो सकता है, राइट, तेज आंधी आ जाए, तो ऐसे ही हमने कहा, कह दिया क्या, ये तो लाइट पेडल व्हील है और यहां पर इन रे जब इसके ऊपर पड़ी तो इस लाइट पेडल व्हील को इन्होंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, बोलो क्लियर है। अगली बात हमने ये कहा कि अगर हम ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट होती है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आप इसको कहीं भी रख सकते हो कि ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव, ठीक है, लगा दो, तो हम क्या देखते हैं कि ये बॉल जो है वो क्या नहीं होती, ग्लोइंग नहीं होती, क्योंकि जो कैथोड रे है वो डिफ्लेक्ट हो चुकी होती है किधर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, कहां, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उसके प्रेजेंस में ये रे जो कहां से आ रही है, कैथोड से, यानी कैथोड रे डिफ्लेक्ट हो गई टूवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये रे कैथोड रे जो है वो जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है तो कहीं ना कहीं इन पर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जा रही है। तो हमने ये बात और बोल दी, कैथोड रे ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, समझ गए। फिर हमने कहा कि अगर हम ऐसा ही काम मैग्नेटिक फील्ड में करते तो ये साउथ पोल की तरफ मुड़ती, साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्टेड होती, तो इसका भी मीन ये है कि नेगेटिवली चार्ज, ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड में सेम चार्ज की तरफ जाएंगे। और फिर हमने क्या किया, अगली बार और प्रॉपर्टी चेक करने के लिए यहां पर एल्यूमिनियम की एक थिन फॉइल लगा दी, तब भी हम देखे क्या, ये साइड अपोजिट टू द कैथोड इज ऑलवेज ग्लोइंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये रे इसको पेनिट्रेट कर गई और इसके अंदर से घुसकर बाहर निकल गई, समझ रहे हो, और बाहर निकलकर कहां टकराई, क्लियर है कि नहीं, पेनिट्रेट कर गई, यानी हम ये कहें द कैथोड रे पास थ्रू द थिन फॉइल ऑफ एल्यूमिनियम, और जब हमने थोड़ी सी थिक कर दी इसको, और ज्यादा थिक फॉइल जो है मोटी कर दी, तो मोटी फॉइल लगाई एल्यूमिनियम की तो ये पास नहीं, तो और प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि थिक फॉइल को तो पास करती है, पेनिट्रेट करती है, इसको थिन फॉइल,
थिन फाइल को पेनिट्रेट कर देती है, लेकिन थिक फाइल लगाते हैं तो क्या होती है, नहीं निकल पाती। क्लियर है सर? क्लियर है सबको? यस सर। क्या शार्पी? देखो बेटा, अगर हमने ना रखा तो कहीं ना कहीं उसकी भी शैडो बनी, पास तो की है ना, तो शैडो तो बनी। अरे यार, लाइट को मैं खड़ा हूँ लाइट के पीछे, ठीक है, अब ये सामने वाली लाइट बंद हो जाए और मैं लाइट के पीछे खड़ा हूँ, उस लाइट और मेरे बीच में एक ग्लास लगा है ट्रांसपेरेंट, तब भी मेरी शैडो बनेगी ना सामने, समझ रहे हो? तो बात ये है कि उनकी पेनिट्रेटिंग पावर कितनी है, डिपेंड करता है कि वो ग्लास, वो जो फाइल रखी है उसको वो पास कर पा रही है कि नहीं, ठीक है ना? क्लियर? अगर थिक फाइल रखेंगे तो नहीं बनेगी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी। फिर हमने कहा कि यार अगर यहां मेटल की सीट रख देते तो इस मेटल की सीट से वो पार नहीं हो सकती। हार्ड मेटल रखा, ये कौन सा? हैवी मेटल लाइक कॉपर, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, बहुत सारी वो रख दी, ठीक है। तो हैवी मेटल को यहां रख दी तो क्या होगा? हैवी मेटल को रखने से ये पास नहीं करेंगे, उसे पेनिट्रेट नहीं करेंगे। दूसरी बात, उससे स्ट्राइक तो करेंगे। जब कैथोड रे स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ हैवी मेटल, दे प्रोड्यूस ए न्यू काइंड ऑफ रे, एक नई रे वहां से क्रिएट होगी, प्रोड्यूस होगी, एंड द न्यू टाइप ऑफ रे इज कॉल्ड एक्स रे। आप सब जानते हैं इन रे का यूज जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ऑल्सो द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल और कंपाउंड की स्ट्रक्चर पता करने के लिए किया जाता है। आपकी बोन भी ब्रेक हो जाती है तो एक्स की तरह ये एक्सरे जो प्रोड्यूस हुई, और यहाँ रेडिएशन आया था बेटा, यहाँ इमिट हुई थी लाइट, इससे पता चला कि कैथोड रे आयोनाइज द गैस थ्रू इट इज पास्ट, राइट, जिसमें से कैथोड रे को पास किया गया उस गैस को वो आयोनाइज कर देती है। क्लियर? ये प्रॉपर्टी। अब ये सब प्रॉपर्टी और ये कैथोड रे की जब डिस्कवरी हो गई तो इससे गोल्डस्टीन ने आइडिया लगाया यार कि अगर कोई निगेटिवली चार्ज रे है, निगेटिवली चार्ज रे अगर है तो कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव चार्ज है अगर किसी गैस के एटम्स में तो फिर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि वी नो दैट एटम इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, प्लीज, एटम इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, और अकॉर्डिंग टू द बीएम प्रूफ्स द सम नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द गैस या प्रेजेंट इन द एटम, so also positive charge, so positive charge also present in the atom, कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी एटम के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये काम करने के लिए गोल्डस्टीन ने क्या किया, गोल्डस्टीन मॉडिफाई द डिस्चार्ज ट्यूब, और डिस्चार्ज ट्यूब विच यूज बाय द विलियम क्रूक्स फॉर द स्टडी ऑफ द कंडक्शन ऑफ या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ गैस एट लो प्रेशर, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू द गैस एट लो प्रेशर, ये स्टडी जिस ट्यूब की हेल्प से किसने की थी, विलियम क्रूक्स ने, उसी ट्यूब को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई तो आप लोग जानते हैं यार, आप पल्सर गाड़ी लेके, नहीं प्लेटिना गाड़ी लेके आए, उसमें पल्सर का साइलेंशियर लगा दिया, मास्क दूसरी गाड़ी का लगा दिया, आगे का हॉर्न किसी गाड़ी का लगा दिया, बहुत सारी चीजें आपने बदल दी, तो इसका मतलब आपने गाड़ी क्या कर ली, मॉडिफाई, और ऐसे ही मॉडिफाई किया किसने, गोल्डस्टीन ने, किसको, डिस्चार्ज ट्यूब को, कहां है डिस्चार्ज ट्यूब, इसे डिस्चार्ज ट्यूब क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि हमें इसे वैक्यूम कर दिया, एक ग्लास ट्यूब है जिसे वैक्यूम किया गया, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है डिस्चार्ज। और इसी डिस्चार्ज ट्यूब को गोल्डस्टीन ने क्या किया, मॉडिफाई किया। तो कैसे मॉडिफाई किया जरा चेक करिए, ये ट्यूब ले रहा हूं ध्यान दीजिए, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई हमने करना। अब ये लगा दिया उसने एनोड, और आप कैसे कहोगे एनोड है कैथोड, तो मैं आपको बता देता हूं बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और बैटरी के जिस टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होगा वो एनोड है, और जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो कैथोड। इतना क्लियर है सबको? तो हमने क्या किया, यहां से उसने किसने गोल्डस्टीन ने कैथोड को बीच में लगाया, इस एंड पर ना लगाकर ठीक मिडिल में लगाया कैथोड दूसरे इलेक्ट्रोड को, राइट। और कैथोड कैसा लिया, एक सीट के फॉर्म में लिया दोस्तों, जस्ट लाइक देखिए दिस टाइप, इस तरह का सीट, और इस सीट के फॉर्म में कैथोड को यहां लगा दिया, और इंडक्शन कॉइल या फिर हम कहें बैटरी से, समझ रहे हो दोस्तों, लो अब तू खुश है ना बेटा, तो इसको हमने कनेक्ट किया किसने, कोल्डस्टीन, इससे हाई वोल्टेज के एक्सटर्नल सोर्स, हाई वोल्ट की बैटरी से, ठीक है भैया, इतना क्लियर है। और एक काम और किया, इस कैथोड को सीट के फॉर्म में तो लिया, इसमें फाइन फाइन होल किए, छोटे छोटे क्या किए, होल कर, परफोरेशन कह दिए, कह सकते हैं हम उसे, इसका क्या कर दिया, परफोरेशन कर दिया, मतलब इसको परफोरेटेड बना दिया। परफोरेटेड क्या होता है, कैथोड, इस कैथोड का नाम हो गया परफोरेटेड कैथोड, दैट इज द कैथोड हैविंग सम फाइन होल्स, राइट, ठीक है। तो ये कैथोड कैसा है दोस्तों, परफोरेटेड कैथोड, पोरस, पोरस समझते हो, पोर्स होल्स, फाइन, या परफोरेट वर्ड अच्छा है, तो परफोरेटेड कैथोड लगा दिया, और ये कौन था, ये तो आप जानते हैं एनोड, ठीक। और यहां पर क्या किया, परफोरेटेड कैथोड लगा दिया, अब हाई वोल्ट का छोटे रखना, अब हाई वोल्ट का करंट पास किया, ठीक है, हाई वोल्ट का क्या किया, करंट पास किया, और जब यहां से ये हाई वोल्ट का करंट पास किया, तो वो देखते हैं सम रे कम फ्रॉम एनोड एंड पास थ्रू द होल ऑफ कैथोड, और जो होल दिए हैं उनमें से ये जो रे निकली और निकल कर किसको पार कर गई, देखो कैथोड से कुछ रे निकल रही, सॉरी एनोड से कुछ रे निकल रही है, और वो कहां जा रही, होल में, और होल में से फिर से पास हो जाए, अगर यहाँ होल ना हो तो वो पार नहीं होंगे, नहीं होंगे, समझ में आया, वो पास नहीं होंगे। और यहां पर बेटा ये प्रेशर रिड्यूस किया है, ये मत भूल जाना, इधर लगा देता हूं क्या, वैक्यूम, यानी ये काम वही किया है, कहां, एट रिड्यूस प्रेशर, एट लो प्रेशर, समझ में आ रहा है, हाँ ये उससे भी थोड़ा स्लाइटली कम आ,
टेन टू की पावर माइनस टू ही है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम है, ठीक है, टेन टू की पावर माइनस टू से रिड्यूस किया प्रेशर को, और रिड्यूस इतना कर दिया कि यहां पर ग्लोइंग आ गई, कहां इस साइड कौन सा आ गया, फ्लोरोसेंस आ, फ्लोरोसेंस मतलब यहाँ ग्लोइंग देखी गई। अच्छा नहीं लगाओगे तो ग्लोइंग कहां से आएगी, क्या ग्लो नहीं हो रहा था, ग्लो नहीं हो रहा था, लाइट दिख रही, लाइट तो इसमें भी दिखी, लाइट दिख रही थी बेटा, ग्लो नहीं हो रहा था, ये गलत बात, अपने आप को करेक्ट करो। ये 10 टू की पावर माइनस 2 पर कम है, ये लाइट ऑब्जर्व हुई है, ग्लोइंग जो आई है इमिट, ये तो ये बना ही रहा है इसके अलावा, बट द बॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब अपोजिट टू द कैथोड ग्लोइंग विद ग्रीनिश लाइट, राइट, ग्लो जो आई है बेटा वो यहां आई है कब, 10 टू की पावर माइनस 2 पर, क्लियर। तो यहां पर भी क्या हुई, लाइट जो है ऑब्जर्व, रेडिएशन जो है ऑब्जर्व किया, लेकिन ये भी तो होना चाहिए, ध्यान रखो कि यहां से भी कुछ रे निकली होंगी, यानी इधर भी कुछ ऑब्जर्व होगा, क्योंकि कैथोड से निकलने वाली रे तो और ज्यादा पावरफुल है, समझ रहे हो, कैथोड से भी तो बेटा कुछ रे निकली होंगी, लेकिन वो रे इधर तो नहीं आएंगी, ये तो पक्का, कैथोड से निकलेंगी वो रे इधर नहीं आएंगी, वो किधर जाएंगी, मूव टूवर्ड द एनोड, वो उधर जानी चाहिए, और इधर ग्लोइंग आने का मतलब क्या है, सम स्पेशल टाइप ऑफ रे कम फ्रॉम द एनोड एंड पास थ्रू द कोर्स एंड मूव टूवर्ड द अपोजिट टू द एनोड, अपोजिट टू द एनोड, बता रहे हैं और बता रहे हैं, अगर मान लीजिए हम इसमें होल नहीं करते तो यहाँ नथिंग इज ऑब्जर्व, पहले उसने ऐसा भी किया होगा कि होल नहीं किया होगा, राइट, तब उसको कुछ नहीं मिला होगा, तो उसने समझ लिया कि यार इस रे में कुछ ना कुछ पावर की कमी है, स्ट्रेंथ इसकी कम है, तो मैं कहीं होल कर दूं इसमें तो ये रे यहां से निकलेगी, और हुआ भी यही निकली, ठीक है, हुआ भी यही कि रे निकली और यहां पर क्या आया, ग्लोइंग आई, और यहां ग्लोइंग आने से क्या पता चला कि कुछ रे एनोड से भी निकलती हैं जो होल से, कैथोड के होल से पास होती हुई बाहर आती है, राइट, और एनोड से निकलने की वजह से इन रे को एनोड रे नेम दिया गया। और एक बात बेटा, ये रे क्या कहां से निकल रही थी, होल में से। अच्छा आपने अगर गांव आओ गए हो तो एक नाम सुना होगा, नाल, सुना नाल, गांव के लोग उसको पकड़ के उठाते हैं ऐसे, पैसा सुना है क्या, नाल का मतलब होता है जिसके अंदर होल हो, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कैनाल। या आपने वो चैनल देखा है जो उसका होता है लोहे का, इसको लगाते हो तो जब खुला रहता है तो सारे होल बंद होते हैं, लेकिन जब आप लगाते हो, क्लोज करते हो, तो उसके बीच बीच के होल खुल जाते हैं, उन होल को कहते हैं हम कैनाल, समझ रहे हो। और जैसे किसी में से होल हो किसी में, और होल में से कोई रे पास नहीं है, कौन रे, तो इस तरह की रे को हम कैनाल रे भी बोलते हैं, एनोड रे इज ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रे। अगर इसने नाल नहीं देखी, वो ये देख ले, वेट देखा होगा उन्होंने, 5 kg, 10-20 kg के चक्की पर, उसमें होता है ना होल, उसमें से उस तरह से उसको बोलते हैं नाल या फिर कैनाल, ठीक है, और उसके अंदर से पार हो रही है, इसलिए इस तरह की रे को हमने क्या कहा है, दीज रे, द एनोड रे इज ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रे, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से किसकी डिस्कवरी हो गई है, कैनाल रे या फिर एनोड रे की। दोबारा सुनना, वी नो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट द सम नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन
in the atom. So also positive charge also present in the atom. Then the Goldstein in 1886, Goldstein modified the discharge tube of William Crookes and he performed the experiment. The Goldstein modified the discharge tube, that is, he made the special type of cathode in which some fine holes are present. This type of cathode is a perforated cathode or porous cathode, which fitted in the middle of the glass tube. And the high voltage current passed through at reduced pressure. Some radiation or light is observed because some radiation or ray come from the anode which pass through the holes and strike on the ball of opposite to the anode which glowing and so fluorescence. Samajh raha? Therefore the new type of ray were discovered called anode ray, because this ray come from anode and move toward cathode and also pass through the hole of cathode. This type of ray is also moved toward cathode. The cathode is negatively charged, so this type of ray possesses positive charge. Samajh raha? And also called positively charged ray. Teen naam ho gaye, canal ray, positively charged ray aur anode. Clear hai ki nahi? Bataiye koi problem hai? Acha, ab hum baat karte hain property of the anode ray. Dekhiye dost, property anode ray ki cathode ray jaisi thi. Dekho bhai, idhar chhotu, agar yahan par hum kya karenge, koi object rakhenge, purani kahani yaad rakho. क्या कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम प्लेस कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करने से उसकी शैडो कहाँ बन रही, ठीक सामने, और ये शैडो सामने बनने से क्या है, दे ऑल्सो ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. एनोड रे प्रॉपर्टी क्या होगी, नोट करते भी रहेंगे तो चलेगा ना, तो क्या एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. क्लियर है बेटा? दूसरा, अगर मैं यहां पर क्या रखूं, लाइट पेडल व्हील रख दूं, क्या बेटा यहां पर लाइट पेडल व्हील रख दूं, तो इस टाइप की रे भी उसको क्या करेंगी, रोटेट कर देंगी. समझ रहा दोस्त, ये लाइट पेडल व्हील भी यहां क्या हो जाएगा, रोटेट होगा. इसका मतलब एनोड रे इज ऑलवेज, एनोड रे ऑल्सो कंसिस्ट मटेरियल पार्टिकल. ठीक है, अब सेम काम हमने किया, यहां पर क्या लगा दी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात है ना. तो मान लो ये कौन सी प्लेट थी, नेगेटिव प्लेट थी, और ये कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट. ठीक है, तो ये किधर किधर डिफ्लेक्ट हो रही है, ये रे जो है किधर डिफ्लेक्ट हो रही है, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है. द एनोड रे deflected towards the negatively charged plate under the influence of magnetic field, right? Therefore, this type of ray carry positive charge. ठीक है, negative की तरफ deflect हुई तो positive charge. तो क्या कह सकते हैं, anode ray always consists of negatively charged particle. Anode ray consist of negatively charged particle because anode ray deflected toward the negative plate under the influence of, या ये कह सकते हैं anode ray deflect opposite to the cathode ray in electric field as well as magnetic field. Clear है? कि anode ray deflected toward the anode ray
deflected toward the opposite to the cathode ray in under the influence of electric field or as well as magnetic field. Therefore, the anode ray consists negatively charged particle. Clear? Sorry, positively charged particle. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्योंकि अपोजिट जा रही है ना क्या थोड़ी क्लियर बेटा क्लियर है जाग जाओ भैया समझे अच्छा अब क्या बात करेंगे अगर हमने यहाँ थिन कॉइल रख मेटल तो उसको ये भी पास कर ली लेकिन हमने थोड़ी सी थिक की तो ये पास नहीं की पर कैथोड रे पास कर ली उस थिक कॉइल को बहुत ज्यादा थिक नहीं है वो थिन ही है लेकिन अभी हमने क्या ली थी बहुत ज्यादा थिन ली थिन फॉइल को तो ये पास कर ली लेकिन थोड़ी सी थिक की थोड़ी सी थिक बेटा तो इसको ये पास नहीं कर पाएंगे ये पास कर ली तो हम कहेंगे द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द एनोड रे इज लेस देन पेनिट्रेटिंग पावर यानी पास करने की पावर दोनों रे में लेकिन कैनोड रे की पावर जो है वो कैथोड रे की पावर से क्या है बेटा कुछ कम है क्लियर है क्लियर है बेटा सबको मैंने कहा लेकिन अगर बहुत ज्यादा थिक रखते हैं तो वो पास ही नहीं होगी समझ में आ रहा है अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम कि ये सारी प्रॉपर्टी जो आई है वो किसकी आ गई बेटा ये भी गैस को आयोनाइज कर सकती है समझ में आ रहा है ठीक है बेटा क्लियर है सबको द एनोड रे आयोनाइज द गैस थ्रू पास थ्रू द पास समझ में आ रहा है थ्रू इट इज पास यानी एनोड रे को जिस गैस में से पास करोगे उसे ये भी आयोनाइज कर देंगे एंड ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट और ये फोटोग्राफिक प्लेट को खराब भी कर सकती हैं। अगर एनोड रे फोटोग्राफिक प्लेट पहले क्या होता था फोटो बनता था लाइट रेड लाइट में जाता था फोटोग्राफर पता है आपको और वो फोटो बनाता था फोटोग्राफिक लाइट में अगर जाके आप पूछोगे तो वो प्लेट होती थी फोटोग्राफिक प्लेट तो वो रेड लाइट वहां जला लेता था ठीक है अभी पूछ के आ सकते हो कलर लैब है ना साधना कलर लैब है और भी है तमाम ठीक है तो वो वहां पर क्या करते थे रेड लाइट जला देते तो ये एक्चुअल में क्या होता था कि ऐसी लाइट नहीं पड़नी चाहिए जिससे वो फॉगिंग हो जाए खराब हो जाए फोटोग्राफिक प्लेट तो वो कैथोड रे एनोड रे वो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट और ये फोटोग्राफिक प्लेट को खराब कर सकती है कौन कैथोड रे और एनोड रे दोनों समझ में आ रहा है एक प्रॉपर्टी और क्लियर क्लियर कोई दिक्कत बताइए इस तरह से आपकी कैथोड रे मिल गई एनोड रे मिल गई अब इस कैथोड रे से आगे कौन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड कर लिया गया किसके वाया जे थॉमसन के वाया कब 1897 में जे थॉमसन ने बता दिया कि बार बार आप जो कह रहे हो कि ये किसी पार्टिकल से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से कंसिस्ट है या इनके पास नेगेटिव चार्ज है आज की बात है वो तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से कंसिस्ट है लेकिन तब क्या कहा गया था इनके पास नेगेटिव चार्ज तो ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन है इलेक्ट्रॉन है हालांकि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नेम इन्होंने नहीं दिया वो काम जी जॉन स्टोनी ने किया ये काम जी जॉन स्टोनी ने किया लेकिन इसकी डिस्कवरी किसकी इलेक्ट्रॉन की वो जे थॉमसन ने की 1897 क्लियर है दोस्तों नेम कब दिया गया था सर नेम तो ये बाद में दे दिया गया इसी टाइम ड्यूरिंग कुछ ज्यादा टाइम की बात नहीं इसी टाइम इसको नेम दे दिया गया लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है अभी हम डिस्कवरी करेंगे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज वगैरह भी देखेंगे हालांकि बस यहाँ डिस्कवरी तो एक तरह से वही है क्या कि द कैथोड रे द इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड फ्रॉम द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड द कैथोड रे इज कंसिस्ट बाय द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दिस पार्टिकल इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन
This is discovered by the J.J. Thomson in 1897. After the discovery of the negatively charged particle, the name is changed to electron. पहले कार्पस कह दिया था इसको किसने? J.J. Thomson. और उसका नेम चेंज करके उसने क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन रख दिया. चेंज किया नेम को. नेम डिस्कवर्ड नहीं किया बल्कि नेम को चेंज कर दिया. ठीक है, क्लियर? इतना समझ के अब आपको मैं एक बताता हूं कि एक और न्यूट्रियल पार्टिकल जो है एटम की न्यूक्लियस में रहता है, और उस समय रदरफोर्ड का जो एक स्टूडेंट था, ये इससे जो पार्टिकल, अब गोल्डस्टीन ने केवल एनोड रे बता दी लेकिन वो पार्टिकल की कोई बात नहीं की जिससे एनोड रे बनी है, कंसिस्ट है, उस पार्टिकल की कोई बात नहीं की किसने? गोल्डस्टीन. और बाद में रदरफोर्ड ने स्टडी किया 1897 से 1919 तक, लंबी स्टडी. यानी पार्टिकल डिस्कवर कर भी लिया धीरे धीरे, लेकिन उसका नेम सही नहीं, नेम और पूरी स्टडी कंप्लीट ये कब की? 1919. किसने? रदरफोर्ड ने. और उस पार्टिकल को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जिससे एनोड रे बनी है, उसको नेम दे दिया क्या? प्रोटॉन. और इन्हीं की लेबोरेटरी में इनका एक स्टूडेंट काम करता था, जेम्स चैडविक. उसने एक और नया पार्टिकल न्यूक्लियस में डिस्कवर कर लिया. कौन? ये कैसे हुआ मैं बताता हूं. एक्चुअल में क्या किया, जैसे एक बॉल है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू किया इन्होंने, जो आप लोग जानते हो आजकल न्यूक्लियर फीजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, आपने सुना फीजन, न्यूक्लियर फीजन से किया. तो जब आप कुछ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े इस दीवार पर फेंकोगे, दीवार पर सामने बॉल दिख रही है उस पर किया कि बम वो एक सीट ली इसकी बेरिलियम. बेरिलियम की एक सीट ली किसने? जेम्स चैडविक. और इस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराया. अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करा रहे हैं, ध्यान देखो. अल्फा पार्टिकल बाद में कहा गया एची पार्टिकल को, हीलियम पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2. और मास नंबर कितना है? 4. उसको अल्फा पार्टिकल कहा. ठीक है, जिसमें 2 प्रोटॉन है, यू समझ सकते हैं. फिलहाल अपन को न्यूट्रॉन का नहीं पता, लेकिन 2 प्रोटॉन है वो समझ सकते हो. ऐसे पार्टिकल का इस पर बम्बार्डमेंट किया, छोटे पार्टिकल का, इस पर बेरिलियम पर. याद करो बेरिलियम क्या है, बोलो. बेरिलियम 4-9 नहीं आया यार? एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9. जब उन्होंने इस रिएक्शन को कराया, न्यूक्लियर रिएक्शन को, तो उन्होंने देखा एक न्यू न्यूक्लियस जनरेटेड, लार्ज न्यूक्लियस, छोटे न्यूक्लियस से बड़ा न्यूक्लियस बना लिया, लार्ज न्यूक्लियस बना लिया. कौन सा? कार्बन 6. अब चेक करो, 2 और 4 6, 9 और 4 12, और 1 कुछ गिर गया, टूटा, कुछ टूटा जिसमें मास था पर चार्ज नहीं था. चार्ज तो ये बताता ना यहाँ से, और ये तो पूरा आ गया. तो चार्ज था, चार्ज नहीं था लेकिन मास था, और उस पार्टिकल का चार्ज तो हो गया 0. ठीक है, लेकिन मास था 1 m, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 m, उस पर चार्ज था. ये देखो ना बेटा, 13 हो रहा है ना, 12 हुआ, एक बचा. जो चार्ज था उस न्यूट्रल पार्टिकल को इन्होंने नाम दे दिया. तो नई पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई 1932.
किसके भैया? जेम्स चैन। ठीक है बेटा। और यहां पर जो प्रोटॉन इससे डिस्कवर्ड किया है एनोड रे से, जो प्रोटॉन डिस्कवर्ड किया वो किसने किया? रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड। और इसका पूरा नेमिंग वगैरह ये कंप्लीट स्टडी कब तक हुई? 1990। क्लियर है। और चला कब से ये? तभी से चला जब से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गए तीनों पार्टिकल डिस्कवर्ड? एनी प्रॉब्लम बताइए? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेरी? बोली यू एनी।